मार्गला हिल है, इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं, बहुत स्पीड से बन रहा है। मेरा ख्याल अगले 15 दिन में इसका मास्टर प्लान बन जाएगा, मैं आपसे शेयर करूँगा कि 7,500 कनाल जो गवर्नमेंट की ज़मीन है इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और इसको कैसे लैंडस्केप करना है, ताकि ये गवर्नमेंट का एसेट भी सारी ज़िंदगी बचा रहे और ये खूबसूरत तलाशगरी भी हो जाए। इसके ऊपर जॉगिंग ट्रैक होंगे, इसके ऊपर रेस्टोरेंट भी होंगे, सारा कुछ है, वो तो गवर्नमेंट बनाएगी। हम गवर्नमेंट को प्लान बना के जो उसमें हमारा हिस्सा पौधे लगाने का होगा वो हम मुकम्मल कर देंगे, बाकी गवर्नमेंट जाने उसका काम जाने। यानी आपका हर काम एक स्टेप आगे जा रहा है। थोड़े दिन मुझे पता चला है वो सरदार साहब भी उस पर करेंगे कि CDA की बसें आ रही हैं और वो जो बसों का स्टाफ है वो आपके फैसल हिल तक आए, यानी इस्लामाबाद से 2-3 रूट बसों के आ रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ तक आएगी। बेहतरीन बसें आपको इधर मुयसर होंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब आपकी लोकेशन एक अच्छी होती है, आप आबादी के अंदर होते हैं, फिर उसमें हर तरह की फैसिलिटी है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि हमने 2.5 अरब रुपया सिर्फ अंडरग्राउंड बिजली का जमा कराया हुआ है, जिसके आप सारे टेंडर हो रहे हैं, यानी आपकी पूरी स्कीम अंडरग्राउंड बिजली के साथ है। आपकी कोई सड़क, छोटे प्लाटों की सड़क जो है वो भी 40 फुट से कम नहीं है, और उसमें भी सीवर, ड्रेन, वाटर सप्लाई, सीवर और बिजली, गैस, हर चीज़ अंडरग्राउंड है। जब अंडरग्राउंड होगी तो वो सड़क और बड़ी लगती है। 265 फुट तक आपकी रोडें, ये कोई छोटी चीज़ है। सबसे बढ़कर एक और कि इस स्कीम के तमाम NOC, जिसको फाइनल NOC भी कहते हैं, वो भी इशू है, और पूरे ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक तक आपके फाइनल NOC इशू। तो ये चीज़ें हैं कि मेरा कहना कि अब फिर कमी क्या है? कमी है कि जो हम अपने घरों में बैठे हैं, कमी है कि हम खुद विजिट नहीं करते, हमने खुद अपना हौसला हारा है, हम अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को विज़िट नहीं कराते। अच्छा, जब आप लोग इधर आते हैं, जैसे मैं कह रहा, आप लोग को कहेंगे हमने एक आर्क बनाई है, शाहजा जी पेरिस का मोनूमेंट बनाया, तो आप आकर देखें, उनके जेहन में वो कंसेप्ट नहीं होगा। लेकिन जब उसके नीचे खड़े होंगे तो वो हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ है। इसी तरह उनको बताएं कि जी हम रूट स्कूल बना रहे हैं, उनके जेहन में कंसेप्ट नहीं होगा। जब वो अंदर खड़ेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। वो फैसल जूल के अंदर खड़े होंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। वो जामा मस्जिद मौलाली के अंदर खड़े होंगे तो वो हैरान परेशान हो जाएंगे। अच्छा, उधर एक हमने मार्की बना रहे हैं, आप उसके अंदर ले जाएं, वो हैरान परेशान हो जाएंगे, ये मार्की कहाँ से आ गई? पेशावर से लेकर कराची तक इतनी खूबसूरत मार्की नहीं है, और इतनी बड़ी कैपेसिटी की और इतनी खूबसूरत जितनी वहाँ पर बन रही है। आप जाकर चेक कर लें। तो जब लोगों को ये चीज़ें आप चेक कराएंगे कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट, देखें एग्जेक्टिव ब्लॉक लहदा, ए ब्लॉक लहदा, बी ब्लॉक लहदा, बी के साथ हिल व्यू स्टेट एक ब्लॉक लहदा, सी अलहदा, डी अलहदा,